पावर्ड बाय नेक्सस सोलर एनर्जी, देश की टेक्नोलॉजी। हरियाणा में प्रचार के आखिरी चरण में कांग्रेस का बड़ा दांव, थोड़ी ही देर में अंबाला से राहुल गांधी शुरू करेंगे पदयात्रा। दो रैलियों के बाद अब राहुल गांधी पदयात्रा के जरिए लोगों के बीच जाएंगे, पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी पदयात्रा हरियाणा के 6 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका ने कहा आज हरियाणा विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी ने कहा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त आंधी चल रही है, जनता बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मंत्री गोपाल राय ने अलग अलग जगहों में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया, कहा बारिश के बाद जगह जगह सड़कों में गड्ढे, सड़कों को जल्द से जल्द बनाया जाएगा। गोपाल राय ने कहा अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, तब से दिल्ली की सड़कों की हालत बेकार, इसीलिए हम सड़कों का दौरा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज पटपड़गंज पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने कहा हमने कई सड़कों के निरीक्षण किए, निर्देश दिए हैं अक्टूबर महीने में ये सड़कें ठीक हो जाएंगे। लंबी बरसातों के चलते कई जगह रोड के अंदर परेशानी है और कोशिश ये है कि अब युद्ध स्तर पे उन रोडों की मरम्मत कराई जाए और उसको जो है ठीक किया जाए। हमारा लक्ष्य ये है कि अक्टूबर के महीने के अंदर ये सड़कें ठीक हो जाएं। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर खड़गे पर निशाना साधा, कहा खड़गे ने अपनी कटुता का परिचय दिया, निजी स्वास्थ्य मामले में पीएम को घसीटा, कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री को लेकर नफरत है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए हाल ही में खड़गे ने कहा था मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से नहीं हट जाते। बादशाहपुर में वक्फ बोर्ड कानून पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा वक्फ बोर्ड के कानून को शीतकालीन सत्र में सुधार कर इसे सीधा करने का काम करेंगे। तबीयत खराब के बाद कठुआ के अस्पताल से खड़गे डिस्चार्ज, खबर मिलते ही पीएम मोदी ने फोन पर खड़गे का हालचाल लिया, खड़गे को मंच पर चक्कर और बेचैनी महसूस हुई थी। दिल्ली में आपका गड्ढा मुक्त अभियान, सुबह से ही सड़कों पर उतरी है आप सरकार, सीएम आतिशी से लेकर सभी मंत्री कर रहे निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का निरीक्षण कर रहे आप नेता, दीपावली तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना चाहती है आप सरकार। दिल्ली के सीएम आतिशी ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों का निरीक्षण किया, साथ ही विभिन्न जगहों में सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह टूटी हुई हैं, कोशिश है हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली दीपावली तक दे सके। जैसा आप सबको पता है बहुत बुरे हाल में है, जगह जगह टूटी हुई है, आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली दे। दिल्ली में पुलिसकर्मी की हत्या के बाद कई जगहों पर बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगे, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने वाले पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया बीजेपी ने दिल्ली को गैंगस्टर्स की राजधानी बनाया, ये पोस्टर किसने लगवाया ये पता नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही बीजेपी को घेरा, सौरभ भारद्वाज ने पोस्टर को लेकर लिखा पोस्टर में लिखी बात तो सही है। मुरादाबाद में क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम के दौरान अफसरों पर बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान, कहा सही से काम नहीं करोगे तो जूतों से भी पिटवाऊंगा, वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी नेता ने अधिकारी को धमकाने वाले अपने वायरल वीडियो पर कहा मैंने ही अधिकारी को धमकाया था, मेरी ही आवाज है, काम नहीं करेंगे तो जनता के जूते भी पड़ेंगे। संगीत सोम के बयान पर गरमाई सियासत, अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा धमकीपूर्ण अभद्र भाषा किससे प्रेरित है कहने की जरूरत नहीं, जैसा जिसका हम चोली वैसे उसकी होती है बोली। अखिलेश ने प्रतिक्रिया के साथ वायरल ऑडियो भी शेयर किया जिससे संगीत सोम उसमें कह रहे हैं कि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा, जहां इलेक्शन हो रहा है वहीं से उठा कर लाऊंगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान, मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 8 अक्टूबर को मिलेगा पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है, मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय के अलावा बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी की भी कई सारी फिल्मों में काम किया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर मिथुन चक्रवर्ती ने खुशी जाहिर की, कहा मेरे पास शब्द ही नहीं, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, मैं इसे अपने परिवार और पूरे विश्व में अपने प्रशंसकों को समर्पित करता हूं। कोई भाषा ही नहीं है, ना मैं हंस सकता हूं, ना मैं खुशी से रो सकता हूं, फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं
उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता, लिटरली मैं बागरूद हो गया। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए रविवार शाम थमा प्रचार, आखिरी चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू हो गई है। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी ने 8 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता, पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर हुई कार्रवाई। मिशन हरियाणा पर अमित शाह, गुरुग्राम के बादशाहपुर से राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन, अग्निवीरों को लेकर झूठ बोला, अग्निवीरों को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यूपी सीएम योगी पर बड़ा हमला किया, कैथल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी सीएम को बताया ब्राह्मण विरोधी, कहा बीजेपी के डीएनए में है ब्राह्मण विरोध। हरियाणा के बादशाहपुर से केजरीवाल ने भरे हुंकार, कहा हरियाणा में हमारे समर्थन से बनेगी सरकार, दिल्ली पंजाब की तर्ज पर 5 गारंटीज का भी ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा अगर पाकिस्तान हमसे मित्रतापूर्ण संबंध रखता तो हम उसे आईएमएफ से भी ज्यादा राहत पैकेज देते। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कार्यकर्ता को महंगी पड़ी, कार्यकर्ता को हाथ मारते हुए सेल्फी लेने से इनकार किया। राज्य में दलितों की उपेक्षा को लेकर मायावती ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस हमेशा से दलितों की लगातार उपेक्षा और तिरस्कार कर रही। हरियाणा के यमुनानगर में यूपी सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा अगर हम बटे ना होते तो ना तो राम मंदिर टूटता और ना ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता। 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर जेजेपी ने रविवार को जनसेवा पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी किया, सिरसा में जेजेपी एएसपी गठबंधन ने जारी किया मैनिफेस्टो। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम ने मांगी पैरोल, 20 दिन की मांगी है पैरोल और चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव से पहले हाई अलर्ट, थाना मंडी में संदिग्ध देखे जाने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन। कल मनाइल गली में एक संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी, जिसके बाद राजौरी जिले में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया, हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही। बंगाल में एक बार फिर हड़ताल पर जा सकते हैं जूनियर डॉक्टर्स, सागरदत्त अस्पताल में जूनियर डॉक्टर और नर्सेस के साथ हुई मारपीट को लेकर गुस्से में डॉक्टर। एक बार फिर कोलकाता में सड़कों पर नजर आ सकते हैं डॉक्टर्स, एक मरीज की मौत के बाद मेडिकल स्टाफ से मारपीट हुई, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने ममता सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बने उदयनिधि स्टालिन, उदयनिधि ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, सीएम स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, सेंथिल बालाजी फिर मंत्री बने। फरुखाबाद बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश का बयान, कहा दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला, हर गिरते घर के साथ बीजेपी भी नीचे गिर जाती है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी पर फिर तंज कसा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह को दी चुटीली सलाह, कहा लेबनान में हसन नसरुल्ला के मरने से दुखी हैं राहुल और इसीलिए कांग्रेस नेता पर अभी हमला ना करें। लखनऊ के विश्वेश्वर सभागार में प्रदेश बीजेपी की आज अहम बैठक, पार्टी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की होगी समीक्षा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की आज से 2 दिवसीय बैठक, घटक दलों में सीट शेयरिंग पर लगेगी आखिरी मुहर, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, सीट का 70% फॉर्मूला सुलझ चुका है। मुंबई में आज एकनाथ शिंदे कैबिनेट की अहम मीटिंग, राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले हो रही बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के हालात और कथित तौर पर केंद्रीय मदद न मिलने को लेकर सीएम ममता ने फिर किया हमला, कहा उत्तर बंगाल में बाढ़ के विकराल रूप के बावजूद पीएम मोदी ने मेरी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। पीएम ने महाराष्ट्र को दी 11,200 करोड़ की सौगात, शिवाजीनगर स्वारगेट मेट्रो का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एलएनजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस की बड़ी मांग, सम्मान न मिलने पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, झारखंड चुनाव में भी 1 सीट की मांग। गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज, साधु संतों के गांजा पीने को लेकर दिए बयान पर अफजाल पर केस दर्ज हुआ। तिरुपति प्रसादम मामले में दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई, प्रसाद के लड्डू में मिलावट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, आज सुनवाई। लड्डू विवाद के बीच कल तिरुपति मंदिर पहुंचे थे सीजेआई चंद्रचूड़, पुजारी ने दिया तीर्थ प्रसादम, गर्भगृह में सीजेआई चंद्रचूड़ ने प्रार्थना की। सीजेआई चंद्रचूड़ और उनके परिवार ने पूजा अर्चना के बाद रंगनायकुला मंडपम में मंदिर के पुजारियों से आशीर्वाद लिया, मंदिर प्रशासन ने सीजेआई को भगवान की एक तस्वीर और तीर्थ प्रसादम भेंट किया। तिरुपति लड्डू विवाद की जांच के लिए एसआईटी का किया गया था गठन, आंध्र डिप्टी सीएम ने कहा भगवान से क्षमा मांगी उपवास रख रहा हूं, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर
कड़ा प्रहार किया। कहा है कि राहुल सभी रैलियों में संविधान की प्रति लेकर घूमते थे, लेकिन अब कहां गया संविधान। सीएम बिस्वा ने आरक्षण को लेकर उठाए सवाल, कहा मैं राहुल से जानना चाहता हूं कि अगर पीएम ओबीसी हैं तो विपक्ष के नेता का पद ओबीसी को क्यों नहीं दिया गया। यूपी के मेरठ के किठौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुका शख्स कार चोरी में गिरफ्तार, मोहम्मद अनस और उसके गैंग पर दिल्ली से 30 लग्जरी कार चुराने के आरोप। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राज्यीय नशीली दवाओं के कार्टेल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 1,14,00,000 से ज्यादा की हाई क्वालिटी गांजा और कैनबिस पकड़ी है। कार्टेल के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी आंध्र ओडिशा बॉर्डर से कॉन्ट्राब्रांड ड्रग्स लाते थे और दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। नशीली दवाओं के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन कवच शुरू किया ताकि दिल्ली एनसीआर में नशीली दवाओं की आपूर्ति पर नकेल कसी जा सके। बहराइच में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, बीती देर रात वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। किसान का शव खेत से मिला था, किसान की मौत के बाद वन विभाग ने आदमखोर को पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा। दिल्ली के द्वारका अंडरपास के पास कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान, कार जलकर खाक। 6 ओलंपियाड में भारतीय टीम के गोल्ड मेडल जीतने पर ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने गौतम अडानी की तारीफ की। प्रज्ञानंद ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को धन्यवाद दिया। प्रज्ञानंद ने कहा इस सफर में कई लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिसमें मेरे माता पिता में ट्रेनर्स सभी हैं, पर अडानी ग्रुप जो पिछले एक साल से मेरा साथ दे रहा है, मैं वास्तव में अडानी ग्रुप का आभारी हूं। प्रज्ञानंद ने कहा अडानी ग्रुप ने मेरी काफी मदद की है, जब मुझे ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब से अडानी ग्रुप मेरी हर संभव मदद कर रहा है। मैं साल की शुरुआत में गौतम अडानी सर से भी मिला था और उन्होंने कहा था कि मुझे इस साल भारत के लिए कोई लक्ष्य तय करना चाहिए। गौतम अडानी सर स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड सर आल्सो मेंशनड अबाउट that I should get a gold for India this year and we've managed in Chess Olympiad. So, yeah, truly grateful to Gautam Adani sir for his support. इससे पहले गौतम अडानी ने चेस ओलंपियाड के विनर्स को बधाई दी थी। गौतम अडानी ने लिखा था कि भारत के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है, महिला पुरुष दोनों टीम को बधाई। भारत चेस के खेल में फिर से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, जिसकी उत्पत्ति इसी भारत में हुई।